सामने आए हैं, जहां एक युवक को जूतों की माला और महिलाओं के कपड़े पहनाए गए, साथ ही उसका मुंडन करवाकर पूरे गांव में घुमाया गया। इसे लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल होती जा रही है। प्रदेश में जंगल राज की स्थापना हो चुकी है, आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है और सरकार केवल बदले की भावना के साथ काम कर रही है। हर जगह अपराध है, हर जगह फिरौती है, हर जगह हत्याएं हैं, हर जगह बलात्कार है, गैंगरेप है। तो जो गुनाह की घटना है, एक बंजारा समाज के व्यक्ति को सामाजिक रूप से इस तरीके का कृत्य होना, ये तालिबानी नहीं है तो क्या? इसके अलावा दिखता है तालिबानी? तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके की व्यवस्था बन रही है और जो सरकार का फेलिवर है, मैं समझता हूँ चिंता का विषय है।